सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिन 29 अक्टूबर को महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे राजीव अग्रवाल ने महाप्रबंधक कार्यालय प्रांगण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई। उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई कि मेरा विश्वास है कि हमारे देश के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा अवरोधक है। मैं विश्वास करता हूँ कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए हमारी सरकार, नागरिक तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर एक काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक को सदैव सतर्क रहना चाहिए एवं ईमानदारी तथा सत्य निष्ठा के उच्च मानकों को पालन करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। श्री अग्रवाल ने शपथ दिलाया कि जीवन के हर कदम पर सत्य निष्ठा और कानून व्यवस्था का पालन करूंगा, ना तो घूस लूंगा और ना ही दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निष्पादित करूंगा, जनहित में कार्य करूंगा, निजी व्यवहार में ईमानदारी की मिसाल कायम करूंगा तथा भ्रष्टाचार की किसी भी घटना को उपयुक्त एजेंसी को सूचित करूंगा। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक SL वर्मा, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी निखिल पांडे, प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजा राम सहित भारी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।